सनी ब्रो सॉरी गाइस सॉरी सॉरी, अबे गेट तो बंद कर लेता। अरे डोंट वरी, हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। वैसे तू तो ऑफिस गया था ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अरे वो मेरी पेन ड्राइव रह गई थी, बस दो मिनट में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे? आई एम सो सॉरी यार, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। वैसे ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी एक महीने पहले हम दोनों रिलेशनशिप में आए। वाह बेटा, गर्लफ्रेंड बना लिया, बताया भी नहीं। सॉरी यार, तुझे बताना भूल गया था मैं। चल मैं चलता हूँ। ठीक है, अब तो दरवाजा बंद कर दो, बाद में। अरे चेतना का फोन। हेलो। हेलो सनी, क्या हुआ चेतना? तुम बड़ी परेशान लग रही हो मुझे। वो मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई थी, डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, और ट्रीटमेंट मेरे लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। क्या 2.5 लाख? यार ये तो सच में बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ पता है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने सारे पैसे लाऊं कहाँ से। वैसे 50 जगह फोन कर चुकी हूँ, लेकिन इतने पैसे कहीं से अरेंज नहीं हो रहे। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मम्मी कुछ हो गया तो? चेतना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, अराउंड 2.5 लाख के आसपास होंगी, मैं तुम्हें सारी दे। नहीं सनी, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे बाबा, हम दोनों अलग थोड़ी हैं, और माँ का ऑपरेशन जरूरी है, समझी तुम? सनी थैंक यू सो मच, तुम मेरी मम्मी के इलाज के लिए पैसे देके ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू सो मच। अरे बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम मुझे शाम को मिलो मेट्रो मॉल, मैं सारे पैसे तुम्हें वहीं दे दूंगा। ठीक है सनी, तुम कितने अच्छे हो और कितने भोले भी, इतनी आसानी से मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मैंने तुम्हें बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, और तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा, ना कोई सवाल जवाब। अच्छा है, अब इससे भी पैसे लूटूंगी और फिर फरार। और कहाँ रह गया ये? हाय चेतना। अरे सनी कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? दरअसल मैं काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो ठीक है, वो सब छोड़ो, पैसे लायो। हाँ ये लो, पूरे 2.5 लाख हैं। थैंक यू सो मच सनी, इस मुश्किल वक्त में तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, अगर तुम ये पैसे मुझे नहीं देते ना तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कैसे करवाती। अरे कोई बात नहीं, माँ का इलाज इम्पोर्टेंट है। हाँ और तुम टेंशन मत लो, जितनी जल्दी हो सकेगा ना मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं चेतना, अपनी माँ का इलाज कराओ, उनका ऑपरेशन अच्छे से कराओ, ये सब बाद में होता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा रुको, दरअसल तुम्हें किसी से मिलवाना है। सनी अभी मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं किससे मिलूँ, मैं चलती हूँ। बस सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ईशो रोहन, तुम यहाँ पर क्या हुआ? पहचान लिया तुमने अपने एक्स को? ये वही है ना जिसको तुमने सेम झांसा देके 2.5 लाख रुपए लिए थे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए? बोलो। नहीं सही, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। क्या एक्सप्लेन करूँ चेतना, हमें ऑलरेडी सब पता है। लेकिन तुम दोनों को ये मिला कहाँ से? इशू मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, केस का क्या हुआ? कुछ पता चला उस लड़की का? पूरे 2.5 लाख रुपए का स्कैम करा है, आज उसने मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगी। ठीक है सर, मैं शाम को आपको कॉल बैक करता हूँ। अरे रोहन सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है। अरे तू पुलिस वाले से बात कर रहा था ना अभी, बताना क्या हुआ भाई? भाई कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, उसने मुझे कहा कि उसके माँ का ऑपरेशन करवाना है, पूरे 2.5 लाख रुपए का स्कैम करके चली गई। अच्छा, उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहा था। फोटो है तेरे उसका? हाँ भाई मेरे पास फोटो है। देखा? ये लड़की है? हाँ। अबे ये लड़की तो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तू जानता है इसको? हाँ बोल तो रहा हूँ, ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ये इसी ने तो मेरे साथ 2.5 लाख का स्कैम करा है भाई। भाई मुझे लग रहा है मेरे दोस्त के साथ भी स्कैम कर रही है, इसको ना रंगे हाथों पकड़ते हैं। चल भाई चल। तो मिस चेतना, आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है कि तुम लोगों को कैसे ठगती हो, कैसे गुमराह करती हो उन्हें। चेतना तुम्हें पता है, जब तुमने अपने माँ के इलाज की बात की ना, तो मैंने एक बार नहीं सोचा तुम्हें अपनी सेविंग्स देने से पहले, पर जब ईशू ने मुझे बताया ना ये सब, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, जब तुम्हारी फोटो इसके फोन में देखी ना, तब मुझे पता चला कि तुम हो कौन। शर्म आ रही है यार मुझे, सच में यार प्यार करने लगा था यार मैं तुमसे, और तुम मुझे लूटना चाहती थी, तुम मुझसे पैसे मांगती ना चेतना, मैं खुशी खुशी दे देता ये सब। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो। इनफ चेतना,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए सिर्फ पुलिस को नहीं बुला रहा, तुम तो चाहता तो पुलिस को अभी बुला सकता था। ये भाई तो तैयार थे, मैंने रोका इनको कि भाई कोई बात नहीं, आई होप तुम ये सब आगे से नहीं करोगी। चेतना, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर सकती हो। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज, तुम निकल जाओ यहाँ से। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये मेरा पास था, मैंने पास में जो भी किया भूल जाओ, लेकिन मैं सच्ची में तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। गेट लॉस्ट यार, जाओ। अच्छा रुको। हाँ सनी। पैसे तुम जा सकती हो। कोई बात नहीं भाई, थैंक यू सो मच यार, आज तेरी वजह से मेरे पैसे बच गए। और पैसों की तो बात ही नहीं है यार, आज तेरी वजह से मेरी लाइफ बच गई यार, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। थैंक यू सो मच यार। कोई बात नहीं भाई, भाई भाई काम आता है।